आप सबको भी न्योता देता हूँ, आप भी सब लोग आना, बहुत अच्छा लगेगा। कल विधानसभा में रमेश सिंह चौटाला में सगर हरियाणा को देखने वाला था, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, मुद्दा कोई है नहीं, आधारहीन बात करके प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं, मीडिया को गुमराह करते हैं और हाउस को भी गुमराह करते हैं। इसी वजह से हाउस से दो दिन के लिए निकाले गए। सर, कैथल में आपका जो चेयरमैन बना था उनसे वित्तीय पावर जो छीन ली गई है, अभी तक प्रोसीडिंग नहीं चल रही, क्या कुछ आपके संज्ञान में है मामला? मामला संज्ञान में है और बिल्कुल जो इलीगल चीजें होती है उनको दुरुस्त करवाने का काम करें। दिग्विजय ने आरोप लगाए हैं कि सीओ जो है इसमें इंटरफेयर कर रहा है। बिल्कुल उसकी इंटरफेरेंस है, अब भी उसकी नीयत ठीक नहीं है। क्या क्या उसका उसका जो मैं बता रहा हूँ ना, जो भी बेकायदगियाँ हो रही है उनको दुरुस्त करेंगे। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, हर राजनीतिक दल अपना अपना काम करे। 50 सीटें का दावा किया है, क्या लगता है कि इलेक्शन चुनाव लड़ा जाएगा? संगठन में मिलकर नहीं जीती जा सकती। क्या पहले हमने संगठन में मिलकर नहीं जीती? सत्ता में आज भी 85 सीटें जीती हमने तो। जब संगठन हमारा चल रहा है, गठबंधन चल रहा है, तो गठबंधन की बात करें। आप सबको भी न्योता देता हूँ, आप भी सब लोग आना, बहुत अच्छा लगेगा। कल विधानसभा में रमेश सिंह चौटाला में हरियाणा किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, मुद्दा कोई है नहीं, आधारहीन बात करके प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं, मीडिया को गुमराह करते हैं और हाउस को भी गुमराह करते हैं। इसी वजह से हाउस से दो दिन के लिए निकाले गए। सर, कैथल में आपका जो चेयरमैन बना था उनसे वित्तीय पावर जो छीन ली गई है, अभी तक प्रोसीडिंग नहीं चल रही, क्या कुछ आपके संज्ञान में है मामला? मामला संज्ञान में है और बिल्कुल जो इलीगल चीजें होती है उनको दुरुस्त करवाने का काम करें। दिग्विजय ने आरोप लगाए हैं कि सीओ जो है इसमें इंटरफेयर कर रहा है। बिल्कुल उसकी इंटरफेरेंस है, अब भी उसकी नीयत ठीक नहीं है। क्या क्या उसका उसका जो मैं बता रहा हूँ ना, जो भी बेकायदगियाँ हो रही है उनको दुरुस्त करेंगे। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, हर राजनीतिक दल अपना अपना काम करे। 50 सीटें का दावा किया है, क्या लगता है कि इलेक्शन चुनाव लड़ा जाएगा? संगठन में मिलकर नहीं जीती जा सकती। क्या पहले हमने संगठन में मिलकर नहीं जीती? सत्ता में आज भी 85 सीटें जीती हमने तो। जब संगठन हमारा चल रहा है, गठबंधन चल रहा है, तो गठबंधन की बात करें।